The Crow and the Pitcher Once a thirsty crow came upon a pitcher and put its beak into it. He found that only very little water was there and he could not reach far enough down to get at it. He tried and tried, but at last had to give up in despair. Then he took a pebble and dropped it into the pitcher and another and another. He kept dropping more and more pebbles till the level of water came up to his reach. Now he was able to quench his thirst and save his life. Life skill Find a solution to the problem instead of crying. The Ant and the Dove One day, an ant went to the bank of a river to satisfy his thirst. He fell into the river and was carried away by the rush of the water he was on the point of drowning a dove sitting on a tree saw the ant and plucked a leaf and let it fall into the stream close to the ant the ant climbed onto do it and floated safely to the bank shortly afterwards a bird catcher came and stood under the tree he laid his lime twigs for the dove, which sat on the branches. The ant understood his plan and bit him in the foot. The birdcatcher threw down the twigs and screamed in pain. The noise made the dove fly away. Life skill If you are good to others, others will be good to you. The Milkman Once Ramu the Milkman. Was going to the market with his milk can on his cycle. He began thinking about the money he was going to earn. First, he thought he would buy some fowls from the farmer who would lay eggs, which he will sell to earn money. Then, he thought he would also buy himself a beautiful suit and hat with this money to make people jealous. He will not talk to anyone. And would toss his head back to everybody. As he tossed his head back, the cycle shook and his milk can fell off, breaking all his dreams. Moral. Be careful when you are on the road. <laughs> हिमालय शब्द सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढकी चोटियों वाले पर्वतीय क्षेत्र का दृश्य साकार हो उठता है आइए आज हम हिम सम्राट हिमालय की यात्रा करें ठेले पर हिमालय ऐसा दिलचस्प शीर्षक है ना और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा बैठे बिठाए मिल गया अभी कल की बात है मैं पान की एक दुकान पर अपने अल्मोड़ावासी मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ की सीले लादे हुए बर्फ वाला आया ठंडी चिकनी पकती बर्फ से भाप उड़ रही थी क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले यही बर्फ तो हिमालय की शो और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया ठेले पर हिमालय सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी हो गए थे नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अलमोड़े चली जाती है और दूसरी कौसानी कितनी कष्टप्रद कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता पानी का कहीं नाम निशान नहीं सूखे भूरे पहाड़ हरियाली का नाम नहीं ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते कोसी पहुंचते तो सभी चेहरे पीले पड़ चुके थे कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया सुडोल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी नदी किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी हरी भरी कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उसके बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है कौसानी जाकर बस रुकी छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं ऐसा लगा जैसे ठगे गए बस से उतरते समय मैं बहुत खिन था बस से उतरा ही था कि जहां का तहा पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने घाटी में पचासों मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते जिनके किनारे सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियां मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लू अक्स्मात हम एक दूसरे ही लोक में चले आए थे इतना सुकुमार इतना सुंदर इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक के लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पहुंच आगे बढ़ना चाहिए धीरे धीरे मेरी निगाह ने इस घाटी को पार किया और मुझे वहां पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास हुआ उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा और कैसा अजब रंग है इसका ना सफेद ना रुपहला न हल्का नीला पर तीनों का आभास देता हुआ यह है क्या बर्फ तो नहीं है हाँ जी बर्फ नहीं है तो क्या है यह विचार मेरे मन में कौन था कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है मैं हर्ष तिरेक से चीख वह देखो शुल्क जी सेन और अन्य सभी ने देखा पर अचानक वह फिर लुप्त हो गया लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े और उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था सारी खिशा और थकावट सब झूमंतर हो गई हम सब व्याकुल हो उठे अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे धीरे खिसका दे और सचमुच मेरा दिल बुरी तरह रहा था डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग खुश किस्मत हैं साहब आपसे पहले चौदह टूरिस्ट आए थे हफ्ते भर पड़े रहे बर्फ नहीं दिखी आज तो आपके आते ही खुलने के आसार हो रहे हैं सामान रख दिया गया पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अपलक सामने देखते रहे बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक, एक शिखरों की अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया बाई ओर से शुरू होकर दाई ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी अगर बता पाता तो यह यह पीर ही क्यों रह गई होती सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी लगती है वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघलता केसर बहने लगा बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी घाटियां गहरी पीली हो गईं, अंधेरा होने लगा तो हम उठे मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे पर सब चुपचाप थे गुमसुम जैसे सबका कुछ छिन गया हो शायद सबको कुछ ऐसा मिल हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हों दूसरे दिन घाटी में उतरकर मीलों चलकर हाथ पहुंचे जहां गोमती बहती है गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचू इसीलिए उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा उसमें डूब डूबा रहा आज भी उसकी याद है, तो मन पिरा उठता है कल ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूं तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है वह बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बह शब्द ज्ञान यकीन विश्वास तत्काल तुरंत कष्टप्रद दुख देने वाला कुरूप बदसूरत बेडोल सुडोल सुंदर बनावट वाला निर्जन सुमसान खिन उदासीन स्तब्ध भौचक्का गेरू एक तरह की लाल मिट्टी बेसाखता हार्दिकता से अकस्मात अचानक लोक संसार सुकुमार कोमल निष्कलंक दोष रहित रुपहला चांदी के रंग जैसा लुप्त गायब निरावृत बिना ढका हुआ खानसामा रसोइया अनावृत खुला हुआ श्रृंखला पर्वतों की माला लड़ी पीर पीड़ा संवेदन अनुभूति भाव उज्ज्वल स्वच्छ निर्मल शीर्षक कष्टप्रद कष्टप्रद, स्तब्ध, स्तब्ध बेसाख्ता बे निष्कलंक निष्कलंक नगाधिराज नगाधिराज निरावृत निरावृत श्रृंखला श्रृंखला उज्जवल उज्वल सोचें और बोलें लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक कैसे सूझा एक बार एक पान की दुकान पर अपने मित्र के साथ खड़े लेखक ने एक ठेले पर बर्फ की सीले लादे हुए एक बर्फ वाला देखा उस बर्फ से उठती भाप को देखकर लेखक बोले कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है तभी उनके मन में यह शीर्षक पर हिमालय कौसानी पहुंचने के लिए किन किन शहरों से होकर जाना पड़ता है कौसानी पहुंचने के लिए नैनीताल से रानी रानीखेत रानी खेत के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कौसी और वहाँ से सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में कोसानी बसा हुआ है खानसामे ने लेखक व उसके साथियों को खुशकिस्मत क्यों कहा खानसामे ने उन्हें खुशकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि कौसानी पहुँचते ही बादल छटने लगे थे और हिम से ढके पर्वत अपना सौंदर्य दिखा रहे थे बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है बैजनाथ में गोमती नदी बहती है